दोस्तों अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, CTET, UPTT और UP बेसिक टीचर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अब हमारे कोर्सेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए ज्ञान प्रकाश या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे सबसे बेहतर कोर्सेज को देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और बात करते हैं UPTET फॉर्म सबमिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 अक्टूबर रखी गई है और 4 अक्टूबर के बाद यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो पाएगा और अभी तक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है कि अंतिम तिथि आगे जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर या तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं और जैसे तैसे करके अगर कोई छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले रहा है तो फिर वहाँ के अगले स्टेप में जो OTP आती है, OTP को यहाँ पर वैलिडेट करने पर एक मैसेज आता है इनवैलिड OTP, यानी कि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर OTP वैलिडेट हो जाती है तो उसके बाद जो आपकी फ़ीस है वो जब जमा कर देते हैं आप, तो उस फीस जमा करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट नहीं मिल पा रहा है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार जो है अपना फीस जमा कर दिया है तो थोड़ा दिन इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक से अधिक बार आप फीस जमा करेंगे तो एक बार की फ़ीस आपकी लैप्स भी हो सकती है और आगे चल के आपको अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ एक बार ही आप अपनी फीस जमा करें, एक या दो दिन का इंतज़ार करें और उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और भी खबरें निकल कर आ रही हैं। ये 5वां दिन है जब UPTET की वेबसाइट काम नहीं कर रही है। हालांकि अभ्यर्थी रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया वो कंप्लीट कर लें। यहाँ तक कि साइबर कैफ़े वालों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं और अब वो अभ्यर्थियों को वापस लौटा रहे हैं। इसकी शिकायत जो है सक्षम अधिकारियों तक भी की गई है, लेकिन वो लोग भी इस समस्या का निराकरण करने में सक्षम खुद को नहीं पा रहे हैं। एक दिन पहले अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने NIC के अधिकारियों को बुलाकर उनसे परेशानी बताई थी, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जो लोग फीस जमा कर चुके हैं उनके आगे की प्रक्रिया कम्प्लीट नहीं हो पा रही है। कुछ और भी खबरें निकल के आ रही हैं कि शिक्षक भर्ती में लगे अफसर फिर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। पुख्ता तैयारियां न होने से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्वर जो है वो ऐन मौके पर दगा दे गया है और अभी उसको सुधारा भी नहीं जा सका है। अभ्यर्थी रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके वो अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को कंप्लीट कर लें और धीरे धीरे जैसे जैसे आवेदन करने की अंतिम तिथि करीब आ रही है अभ्यर्थियों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अंतिम तिथि आगे जाएगी या नहीं इसके बारे में जब बात की गई तो TET के जो संबंधित अफसर हैं उनका ये कहना है, क्योंकि 4 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है इसलिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाना अभी संभव नहीं होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मुझे यही लगता है कि अगर अंतिम तिथि तक बहुत सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इस डेट को आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़ाने के बाद एग्ज़ाम डेट भी आगे जा सकती है, क्योंकि जब तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जितने भी फीस जमा हुए हैं उनकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है तब तक मतलब ये जो विधि है, जो ये प्रोसेस है उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम तिथि बढ़ेगी, लेकिन इसके बारे में कोई भी गारंटी अभी से नहीं दी जा सकती है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि एक रजिस्ट्रेशन पर आप लोग एक बार ही अपनी फीस जमा करें और थोड़ा दिन इंतज़ार करें, कम से कम एक या दो दिन, और अतिशीघ्र अपना जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसे